तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भारत की कृषि विशेषताओं को देखेंगे, यानी कि भारतीय कृषि की विशेषताएं देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत कृषि व्यवस्था की विशेषताएं। तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भारतीय कृषि की विशेषता जो पहली है वो प्रकृति पर निर्भरता, यानी जो भारत की पहली विशेषता है कृषि की वो प्रकृति पर निर्भरता। इसका मतलब है कि जो भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसूनी वर्षा का मतलब कि जो कि वायुमंडल से वर्षा होती है उस पर निर्भर है, यानी कि प्रकृति पर निर्भरता। मानसूनी वर्षा वर्षा नियमितता अनियमितता कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, यानी इसका मतलब ये है कि वर्षा की नियमितता, यानी कि अगर वर्षा सीमित मात्रा में रहेगी तो फसल जो है अच्छी पैदा होगी। यदि अनियमितता का मतलब कि यदि बारिश जो है सीमित, यानी कि जितनी आवश्यकता हो यदि उससे ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगी, यानी कि वो कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, यानी कि फसल को कम करने का, जिससे कि फसल की पैदावार कम होगी। तो ये था प्रकृति पर निर्भरता, यानी कि पहला विशेषता इसका। अब देखिए दूसरा विशेषता है कृषि की निम्न उत्पादकता, यानी कृषि की निम्न उत्पादक। भारत में कृषि उपज अन्य देशों से कम है, यानी कि भारत में जो कृषि उपज है यानी अन्य सभी देशों से क्या है कि कम है। एक श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की एवरेज $105 है, यानी कि एवरेज का मतलब औसत, यानी प्रतिवर्ष की औसत $105 है। एक श्रमिक की, केवल एक कृषि श्रमिक की जो है कमाई एक साल की लगभग एवरेज के हिसाब से $105 है। तो ये थी हमारी कृषि की निम्न उत्पादकता, यानी सेकंड वाला। इसमें है क्या कि भारत में कृषि उपज अन्य देशों से कम है, एक श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की एवरेज $105 है। अब देखिए खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता हम देखेंगे। तो देखिए 130 करोड़ जनसंख्या प्लस भरण पोषण, यानी कि जो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर ही है तो उसमें भरण पोषण के लिए कुल कृषि भूमि का, यानी कि जो पूरी भूमि है उसका 65.8% भाग, 65.8% भाग पर खाद्यान्न, यानी कि खाने पीने वाली वस्तुएं यानी है, तथा शेष में व्यापार व अन्य फसलें हैं, यानी कि जो बचती हैं उसमें शेष व्यापार व अन्य फसलें हैं। तो ये थी भारत कृषि की विशेषताएं। तो एक बार इसको और देख लेते हैं कि प्रकृति पर निर्भरता, मानसूनी वर्षा, वर्षा नियमितता अनियमितता कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अब सेकंड है कि कृषि की निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि उपज अन्य देशों से कम है, एक श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की एवरेज $105 है, और 130 करोड़ जनसंख्या, भरण पोषण, कुल कृषि भूमि का एक लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष में व्यापार व अन्य फसलें। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।